हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं मेरे कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर मैं डिजाइन बनाऊंगा और ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ ये लेना है डिजाइन, ठीक है, और शेप नहीं बनाना है हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लेकर के डिजाइन कुछ अलग से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कुछ मैटर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैटर मैंने रखा है, ठीक है, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि एक नंबर में डाल देता हूँ कि जब भी आप डिजाइन बनाएं, ठीक है, तो पूरी सेपरेटली जान लें कि हमें कॉन्सेप्ट लेकर बनाना है तो बनाना है, ठीक है। दूसरी बात, अपने खुद से नहीं बनाना है, ठीक है, और मिला जुला के आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। एक कॉन्सेप्ट लेकर के डिजाइन कैसे बनाना है वो सारे चीज़ मैंने इसमें मेंशन किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पहला नंबर है फ्लेवर क्या चीज़ है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट्स क्या पड़े हैं, तीसरा कलर बेस बैकग्राउंड में है क्या चीज़, या फिर डिजाइन हमारा कौन सा कलर बेस है, ठीक है, चौथा मैटर सेपरेट, ठीक है, हमारा मैटर कैसा सेपरेट होना चाहिए, और पांचवा मैटर एज बैक कलर, ठीक है, मतलब बैक कलर से हमारा मैटर मैच करे, ठीक है, कि हमारा मैटर बैक कलर से कितना मैच कर रहा है, ठीक है। और छठा नंबर है कि हमें ब्रांड नेम को बैकग्राउंड कलर से मैच कराना है, ठीक है, अगर थोड़ी भी कमी बेसी हो तो चल जाता है। और सातवां नंबर है आपको हाउ मेनी कलर्स ऑफ डिजाइन, ठीक है, मतलब ये इसका मतलब है कि डिजाइन कितने कलर के है वो भी देखना है हमें, ठीक है। और आठवां नंबर, कॉन्सेप्ट तो लेना है लेकिन हमें उसे कॉपीराइट नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था, ठीक है। तो आप जब भी डिजाइन बनाएं तो आप कॉन्सेप्ट पर डिजाइन बनाएं लेकिन आप उसको कॉपी मत करें, ठीक है, कॉपीराइटेड हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ, जो भी है मैं इसको वाइट या ब्लू या फिर येलो कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा ये है और इसी कॉन्सेप्ट को हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें एक बॉक्स लेनी है, ठीक है, और ये देख लेना है कि हमारा डिजाइन कि कैसा है, ठीक है। हम एक ऑप्शन ए भी कर सकते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट को दिखाना है विद डिजाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे और उस टाइप को हमें बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से पकड़ के और उसके बाद थोड़ी सी छोटा या बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉक ऑप्शन का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लॉक ऑप्शन शो नहीं कर रहा है आई थिंक, ठीक है। तो जो भी है,
बस हमें ऑब्जेक्ट हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और तो मैं इसको पकड़ लिया हूँ, अब सीधे आ जाना है। अब F5 दबाएंगे, ठीक है, और हम इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। एक बार मैंने क्लिक किया, अब माउस से क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, ठीक है। और ड्रैग करने से पहले हमें पहले इसको दो बार ट्राई करने हैं, एक दो बार क्लिक करके और आगे आ जाना है, ठीक है। और आगे आ जाते हैं, अब इसको मैं जल्दी से ट्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेस करेंगे तब हमारा ये डिज़ाइन सेपरेट में एकदम मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये इसकी 3D पहले बनाना है। जब 3D बना लेंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत जल्दी बनने में अच्छा लगेगा, ठीक है, और देखने में भी ये सुंदर लगेगा। तो मैं इसको डिज़ाइन 3D बॉक्स ये सॉरी 3D ट्यूब या फिर ऐसे जो भी समझे, एक तरह से शैम्पू का ही ऐसे ऐसे बॉटल मिलते हैं, ठीक है, कंटेनर जिसे हम बोलते हैं। तो मैं इसको यहाँ तक कर लिया हूँ। तो इसको कैसे ट्रेस करते हैं आप देख सकते हैं, मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। डबल क्लिक करेंगे माउस लेफ्ट, ठीक है, तो मेरा ये फाइनली आई थिंक हो चुका, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर का, अभी अंदर की बाकी हैं, ये मैंने ट्रेस कर चुका। अब F10 दबाएंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे और इस पर करेंगे क्लिक कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। अब मैं इस पर किसी एक पे क्लिक करूँगा और इसको ऊपर कर दूँगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर करते चले जाऊँगा। बस ये देखना है कि ये चीज़ हमारा मुड़ा ना हो, तो हम इधर दो बार क्लिक करेंगे, फिर आगे और इस वाले को डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा कोना डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अभी देखिए हमारा यहाँ पे अब बराबर हो गया, ठीक है। इसको भी एक बार डिलीट करते हैं तो थोड़ा सा ये बराबर हो गया। अभी आगे वाला भी पोजीशन पकड़ के मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ये भी आगे हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद इसको थोड़ी से आगे करेंगे और ये वाला थोड़ा सा अंदर, ठीक है। अब ये भी हमारा काफ़ी सही बन गया है, और ये वाला हमारा राउंड होता है कॉर्नर वाला, ठीक है, और ऊपर कर देता हूँ, अब ये सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा हमारा ऊपर जा रहा है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट ना करके हमें आगे वाले पोजीशन को थोड़ा से ऊपर करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये कॉर्नर वाला भी पकड़ के इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आगे डबल क्लिक करके और कोना वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना चल जाएगा, खैर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी हमें ऊपर करनी है और ये अंदर, ठीक है, और यहाँ तक खैर सही है, सिर्फ यहाँ हमें थोड़ी सी ऊपर करने हैं। ये देखना है कि हमारा ये
कोना मुड़ा तो नहीं है या फिर तिरछा है कि नहीं, ठीक है। अगर तिरछा रहेगा तो हम दोनों साइड से या फिर एक साइड से इसको थोड़ी सी मोड़ देंगे, ठीक है। डबल क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये भी थोड़ी सी गैपिंग है, दिख रहा है अंदर मुँह की, ठीक है। और यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे तो ये हमारा राउंड हो जाएगा एकदम, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये राउंड है तो मैं इसको डिलीट करूँगा, थोड़ा सा ये राउंडेड हो गया है, इसको भी डिलीट करूँगा, राउंड हो गया, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी इसको मैं ऊपर खींच देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखें हमारा ये बनके तैयार हो गया ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग से हम क्या करेंगे, F5 दबाएंगे और बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ तक और इसको बाहर से लेके आएंगे, डबल क्लिक करते करते लेके आएंगे, ठीक है, और इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया। अब अंदर कुछ और भी है तो एक काम करते हैं कि अंदर वाला भी ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे ट्रेस करके और मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, इसको भी मैंने ट्रेस कर लिया। और इसी वक्त मैं इसको कर्व करके इसको राउंड ले लेता हूँ, इसको डिलीट करके थोड़ा राउंडेड हो जाएगा, ये भी राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ और भी ऑप्शन है, F5 दबाएंगे और यहाँ क्लिक करके यहाँ पे हम आ जाएंगे, दो बार क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इसी पे क्लिक कर देंगे, फिर F10 दबाएंगे और यहाँ से कर्व करके इसको उठा देंगे, ठीक है। और ये एक बार क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ वाला सिर्फ हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला, तो हम क्या करेंगे इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन कैसे करना है पहले हम बताते हैं। अभी देखें ये अंदर का उससे अलग सा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, अलग से एक और शेप बनाएंगे। तो पहली बार एक बार और क्लिक करेंगे और क्लिक करने से पहले हम इसको इसमें कलर फिल करेंगे। पहले तो इसको कलर फिल कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके और कलर इस पर क्लिक करेंगे, सेम यही कलर हम क्लिक करके इसमें फिल कर देंगे और इसमें भी फिल कर देंगे, ठीक है। हमारा इसमें फिल हो गया। अब इसमें हमें ये वाला कलर फिल करना है। अभी देखें यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको यहाँ से आएंगे, मेश टूल पकड़ेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है
इसको हम शिफ्ट के साथ पेज अप क्लिक करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ इसी बॉक्स को पकड़ के और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे और ये बाहर वाला डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मैंने नीचे वाला बॉक्स हटाया तो ये वाला बॉक्स हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला बॉक्स और इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ फिर पेज डाउन दबा देंगे और इस वाले में हमें वैसे ही डिजाइन देना है। तो सबसे पहले अंदर भी शेप बनाएंगे तो F5 क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम शेप बनाएंगे। ठीक है, सेम वही शेप हम बनाते चले जाएंगे। डबल क्लिक करते हुए, ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा कलर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके इसमें इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, और बीच में आप देखेंगे तो ये हमारा कुछ अलग कलर है। तो कलर करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको F10 से इसको राउंडेड कर लेंगे जितना जैसे कलर है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ये डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको ये डिलीट, इसका हैंडल पकड़ के थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। तो क्या करेंगे, पहली बात तो अंदर का भी शेप बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें हम F11 दबाएंगे, इस वाले बॉक्स को, ऊपर वाले बॉक्स को पकड़ के। ठीक है, और इसमें यहाँ से पहले हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद ये सेम हम कलर फिल करेंगे। ठीक है, कलर फिल करने के बाद उसके पास मैच टूल आ जाएंगे और इस वाले को पकड़ के शिफ्ट के साथ यहाँ पे आ जाएंगे, ये कलर फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा ये कलर फिल हो गया है। अब कुछ नहीं करने हैं, जो ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ से एक और हम कॉपी कर लेंगे ऊपर मुंह। ठीक है, कॉपी हो गया। अब ये अंदर वाला जो हमारा है, ये शिफ्ट के साथ पेज अप मारेंगे और शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम कलर दे देंगे यही वाला। ठीक है, तो हमने यही कलर दे दिया और यहाँ पे देखेंगे आप कि ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें था, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला है अभी देखिए हमारा ये कलर इसमें फिल हो गया है। ठीक है, इसमें दो बॉक्स है, मैं इसको हटा दिया और सेम यही वाला हम इसमें रखेंगे, शिफ्ट के साथ सी फिर ई दबा देंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको और ये पकड़ के बॉक्स नीचे वाला पेज डाउन मारेंगे। अब देखें ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है,
अब इसको हम सारे को पकड़ के पेज अप करेंगे, ठीक है। पेज अप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा बन रहा है कि नहीं इस टाइप में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ के, ये दोनों पकड़ा गया, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पावर पे क्लिक करके इसमें पावर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेम इसको भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसे हम कलर हटा देंगे और इसको भी हम पावर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब नीचे देखेंगे कि हमारा कौन सा कलर है, ठीक है। तो हम अंदर वाला पकड़ के और इसको हम यहाँ से पकड़ के बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के और आगे कर देंगे और इसको हम पेज डाउन कर देंगे, ठीक है। पेज डाउन करने से पहले हम कंट्रोल जेड मार रहा हूँ और यहाँ कॉपी फिर पेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से भी बड़ा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा खींच देंगे और हम करेंगे इसको पेज डाउन, उसके बाद ऐसे थोड़ा सा हटा करके इसको हम पेज और क्लिक कर देंगे इसमें, ठीक है। इसको पकड़ के हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसको ऊपर कर देंगे और हम शिफ्ट के साथ पेज डाउन मार देंगे तो ये हमारा कुछ उस टाइप के बन के तैयार हो गया, ठीक है। और सीधे सीधे जल्दी जल्दी हमें बनाने हैं इस वाले को। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉक्स है हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको बनाएंगे। तो F5 दबाया, फिर यहाँ से गया, इसको दो बार क्लिक करके इसको यहाँ से F10 दबाया, फिर इसको कर्व, फिर इसको हम जल्दी से घुमा लेता हूँ, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी से नीचे करेंगे, ये थोड़ी से ऊपर, ठीक है। फिर एक लेंगे F5, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके दो बार यहाँ से ये डिजाइन हम, और फिर एक कलर हम चूज करके इसमें फिल कर देंगे और इसको पकड़ के कलर चूज करके फिल कर देंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ और दिख रहा है, तो हम इसको पकड़ के प्लस दबा देंगे, कॉपी हो जाएगा, और इसको नीचे कर देंगे और इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा खींच देंगे, ठीक है। और ये बॉक्स पकड़ के और ये वाला बॉक्स नीचे कर देंगे, ठीक है। और ये भी बॉक्स हम सबसे नीचे कर देंगे, ठीक है। और इस वाले में हम ये वाला कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। अभी तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं जो ढक्कन है इसका, तो F5 दबाया, यहाँ से मैं जल्दी से इसके ढक्कन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने ढक्कन यहाँ से बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बन गई,
हालांकि थोड़ी सी ये अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा, F10 दबा करके इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एक बार और अंदर खींचूँगा। अब मैं F5 क्लिक करके और यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसको पूरा कर दूँगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको हमें ये नीचे वाला पोजीशन जो दिख रहा है, ये अंदर वाला, ठीक है, इसमें हमें कलर वाइट देने हैं। तो वाइट देने से पहले हमें पहले ये वाला शेप बनाने हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसको हमें बनाने के लिए सबसे पहले F5, उसके बाद इसको जल्दी से हम बना लेते हैं। उसके बनाने के बाद और आगे आ जाते हैं, फिर यहाँ और इसको लास्ट वाले पे क्लिक करके इसको हम पूरा F10 दबा करके सेलेक्ट कर देंगे और इसको कर्व कर देंगे यहाँ से, और कॉर्नर पे सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये वाला पकड़ के थोड़े से नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसको और ऊपर यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ी सी और ऊपर कर देंगे। ठीक है, अरे नीचे वाला पकड़ के यहाँ पे शेप इसको और नीचे कर देंगे। ठीक है, और ये जो कलर हमें दिख रहे हैं, हम सेम यही कलर इसमें फिल कर देंगे। तो फिल करने से पहले हम इसको पहले ट्रेस तो कर लिए, अब हमें कुछ नहीं करने हैं। ठीक है, अब जो ये बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है, सेम हमें कलर वही फिल करने हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर दिया, अब इसमें हम ये कलर फिल कर देते हैं। फिल करने से पहले हमें एक चीज़ और बनाने हैं इसमें, कि हमें ये डाई लाइन बनानी है। ठीक है, डाई लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो स्टिकर है, ठीक है, स्टिकर को हमें ट्रेस करने हैं और अपने हिसाब से बनाने हैं क्या डिजाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सेलेक्ट करके और इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। बस हमें डिजाइन कॉन्सेप्ट लेना है, कॉपीराइट नहीं करने हैं, चाहे छोटा कंपनी हो चाहे बड़ा। ठीक है, और सारे ऑप्शन मैंने बता दिया आपको कैसे इसको डिजाइन बनाना है। हल्का सा इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे और अंदर करेंगे इसको, ये वाला डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये कॉर्नर हम थोड़ा सा अंदर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो ये डाई लाइन दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर है ये, अब सही है। इसको भी थोड़ा सा नीचे लेंगे और ये भी थोड़ा सा नीचे लेंगे। ठीक है, अब इसको लेने के बाद जो कॉर्नर वाला है, इसको भी हम थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, और ये जो साइड वाला है, साइड को भी अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी जो कॉर्नर है, सेम कॉर्नर ना बने, थोड़ी सी राउंडेड बने। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ,
और यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डायलाइन भी बन के तैयार हो गया। अब सिर्फ हमें करना क्या है कि इसको पकड़ के हमें सिर्फ एक कॉपी और लेने है। इसको हम पकड़ के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायलाइन बन के तैयार हो गया है। सिर्फ हमें करना क्या है कि इसमें हमें कलर फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला है, पहले इसको हमें कलर फिल करना है। तो इस पर जाएंगे और इस पर हम कलर फिल करेंगे और इसमें हम कलर डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कलर इसमें फिल हो गया। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे, एक उपाय और है। ठीक है, उपाय क्या है कि ये वाला पहले देखेंगे कि हमारा इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करके और इस वाले में डालेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, अभी देखें थोड़ा सा वाइट है, हम पिक टूल लेंगे और दोबारा इसी पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि थोड़ी सी अलग अलग कलर ये दिख रहा है। ठीक है, हमारा ऊपर का जो है ये तो ट्रांसपेरेंट हमारा है डिज़ाइन। ठीक है, लेकिन अंदर वाला थोड़ा सा शेप अलग है। ठीक है, अब अंदर वाले को हमें थोड़ी सी कलर वेश चेंज करने हैं। ठीक है, और ये भी हम कलर दे देते हैं ये वाला। ठीक है, नीचे पकड़ के शिफ्ट दबा करके पेज डाउन। ठीक है, अभी भी हमारा बनके तैयार हो गया। थोड़ी सी चेंजिंग है, तो ये हमारा डब्बी यहाँ से बन रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के और डबल क्लिक करके यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से अलग कलर शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यही वाला कलर हम फिल करेंगे और यहाँ से हम आउटलाइन हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट लेकर के थोड़ी सी इसको ऐसे चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज करने के बाद इसको हम राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिक करेंगे इस बॉक्स में। ठीक है, इस बॉक्स में हमने पावर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करने हैं, इसको हम कॉपी करता हूँ अल्ट दबा करके, फिर कंट्रोल के साथ कॉपी, फिर भी। अब ये जो बॉक्स देख रहे हैं नीचे वाला, सेम यही कलर हमें फिल करने हैं। ठीक है, हमने यही कलर फिल कर दिया सेम। बस थोड़ी सी अंतर क्या है कि इसमें हमें थोड़ा सा कलर चेंज करने हैं। तो हम इसमें जाएंगे और फिर क्या करेंगे, जो ये वाला साइड है इसको हम पकड़ेंगे यहाँ से, ये इसे सेलेक्ट करके सेम यही कलर फिल करेंगे। ठीक है, इसका ओके करेंगे और बीच में डबल क्लिक करके इसको हम वाइट कर देंगे, थोड़ी सी आगे खींच के वाइट कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। अब
तो अभी देखें हमारा ये थोड़ी सी मैच साइड वाला ऑप्शन हमारा थोड़ा सा अलग है। तो एक काम और कर सकते हैं कि इसको हम डायरेक्टली मैश टूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैश टूल में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस दबाएंगे। प्लस दबाने के बाद इसमें हम आएंगे मैश पे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसमें हम सेलेक्ट करके इन दोनों पे शिफ्ट के साथ ये भी सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इस वाले कलर पे फिल कर देंगे। ठीक है, कलर पे फिल करने से पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ी सी ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा कलर ये फिल हो गया। अब ये हम कलर ये वाला था। ठीक है, अब ये अंदर वाला हमारा जो कलर था इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इधर वाले पे सेलेक्ट करके थोड़े से अंदर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कलर बेस थोड़ा सा मिल गया। ठीक है, और ये अंदर का ये आउटलाइन हटा देंगे। ठीक है, और ये बाहर का भी आउटलाइन हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हमारा बॉक्स जो नीचे वाला दिख रहा है वो वाला दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो अंदर वाला कलर है उससे हमें मैच कराने हैं। तो सबसे पहली बात इसको हम पकड़ेंगे, उसके बाद इसमें हम कलर देंगे, कौन सा, हॉन्टेन कलर, और इस वाले सेलेक्ट करके थोड़ी सी ये कलर दे देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये चेक करेंगे कि थोड़ा सा मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये भी हमारा पूरी तरह थोड़ी थोड़ी मैच कर रहा है, उसकी भी कलर भी आउटलाइन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, थोड़ी सी बन के तैयार हो गया। और ये हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिक कर देंगे इस वाले बॉक्स में। नहीं हो रहा है, तो जो नीचे वाला है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा ये मेस है। ठीक है, और नीचे वाला जो बॉक्स दिख रहा है इससे हमारा थोड़ा सा मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे थोड़ा सा खींच के अब हम पेज डाउन क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके पावर क्लिक इस वाले में कर देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी और आगे कर देंगे। और इसमें हम जो ये वाला कलर है इससे हम थोड़ी सी ये वाला कलर से मैच कराएंगे, ये वाले कलर से। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा पकड़ता हूँ अंदर वाला और इसको हम कलर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मैं वाइट दे देता हूँ,
सेम ये वाला कलर। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो ऊपर चले जाएं, ऐसे थोड़ी सी वाइट हल्का से करने, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब सही लग रहा है। अब हम क्या करने हैं, हमें इसको तो हम कर देते हैं डिलीट। अब इसको हम क्या करते हैं साइड, हालांकि इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं, डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा सांचा बनके तैयार हो गया, ये हमारा डिजाइन का शेप है, ये डाई लाइन है, ठीक है। डाई लाइन को हमें क्या करने हैं, कंट्रोल जेड मारता हूँ और इसमें जो हमारा डाई लाइन था ये था, इस बॉक्स को शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, यहाँ से इंटरसेक्ट कर देंगे और दोनों को पकड़ के इधर लाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें डिजाइन किस टाइप का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी सी मैच करेंगे, बॉक्स लेंगे और इसको हम थोड़ा सा शेप चेंज करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। ये ऐसे था तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, उल्टा करने के बाद यहाँ से थोड़ी सी अंदर लाएंगे, ठीक है, और इसको भी पकड़ के थोड़ी सी अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। अब सेम यही कलर हमें फिल करने हैं, तो इस वाले में हम ग्रे डाल देते हैं और इस वाले में हम ये वाला कलर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये वाला, ठीक है, या फिर इसको पकड़ के F11 फिर ओके, ठीक है, और ये वाला डिलीट, इन दोनों की आउटलाइन अलग कर देता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले में हमें कलर थोड़ा अलग देने हैं, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ F7 दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इसको हम C दबाएंगे, ठीक है। C दबाने के बाद इसकी कलर भी हम लेंगे, तो यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इसको कलर सेलेक्ट करके फिल करेंगे, फिर F11 दबाएंगे। F11 दबाने के बाद इसमें हम एक साइड इसकी बीच में हम कलर और थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। डार्क करने के बाद इसमें हम बीच वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वाले पे, तो ये देखेंगे हमारा डार्क कलर किस साइड है, तो हम इसको इस साइड करेंगे और इसको हम इस साइड करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और बीच वाला कलर देखें हमारा ये इस टाइप की है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वाइट कलर को हटा देंगे। वाइट कलर हट गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और अंदर लेंगे, अब क्या करेंगे ओके कर देंगे, इसकी आउटलाइन हटा देंगे, इसकी आउटलाइन हटाने के बाद अब हम कुछ ब्रांड नेम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ नाम जो भी लिखा हो मैं इसमें लिख देता हूँ प्रॉक्स या फिर प्रो डी या फिर डिजाइन लिख देते हैं डी ई एस आई जी एन बस, ठीक है। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, इसमें हम कोई अलग सा फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ी सी हम लोगो टाइप बनाएंगे तो इसको कर देंगे हम कर्व, कर्व करने के लिए कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे, कंट्रोल क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे एप्स एफ 10 दबाएंगे, उसके बाद ये वाला नीचे वाला शेप थोड़ी सी नीचे कर देंगे, ठीक है, या फिर नीचे वाला ये ऊपर वाले को पकड़ के नीचे कर देंगे, ठीक है। और इसमें लिख देंगे कुछ भी डिजाइन कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, सॉरी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखूंगा सी ओ डिजाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है, और इसको कर दूंगा बोल्ड, और इसको भी चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, हालांकि थोड़ी सी चेंजिंग है तो मैं इसको क्या एक काम जरूर करूंगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चलते हैं बना ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं F5 क्लिक किया, मैं सर दो बार में क्लिक करता हूँ, और इसकी जो आउटलाइन है इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो आउटलाइन है हेयर लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर वही क्लिक करके F5 और यहाँ से मैं सेम वही से है बना लेता हूँ, F10 दबा करके इसको मैं कर्व कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कॉपी करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और F10 दबा करके इसको मैं थोड़ा अंदर मुख ले लूँगा, इसकी जो हैंडल है अंदर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से भी डबल क्लिक करेंगे, ये अंदर ले लेंगे, ये और अंदर ले लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करने हैं, इन दोनों को पकड़ के ये सेंटर पॉइंट हम कंट्रोल दबाएंगे नीचे आएगा, इसको हम पकड़ के खींच देंगे और यहाँ से ऐसे आगे खींच देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। अंदर वाला कलर हम ये कलर दे देते हैं और बाहर वाला तो कलर जो है वही वाला रहेगा, ठीक है। तो मैं बाहर वाला भी कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है।
पकड़ के सेम कलर ही दे देता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़े से चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको भी कलर ले लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड में मारूँगा और इसकी जो आउटलाइन है मैं हेयर लाइन ले लेता हूँ। फिर मैं F5 क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको जल्द से बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कर्व करता हूँ थोड़ी सी ऊपर, ये भी थोड़ी सी ऊपर, हल्का हल्का बस नीचे ऊपर कर देना है। ठीक है, इसको भी ऊपर कर दिया। उसके बाद करेंगे हम ये वाला आगे वाला। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर लेंगे क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा मुड़ा रहता है, इसको यहाँ से मोड़ देंगे। हालांकि थोड़ा सा मुड़ जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से दो बार क्लिक करके यहाँ से आगे तक ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ी से हल्का सा और मोड़ देंगे तो ये रहा हमारा बनके, ये भी तैयार हो गया। इसमें हम यही कलर फिल कर देंगे, आउटलाइन हटा देंगे। ठीक है, अब नीचे वाला शेप हमें कैसे बनाने हैं, सेम F5 क्लिक करके सेम वैसे ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम F10 दबा करके और इसको कर्व कर दिया और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अभी देखें हमारा कर्व नहीं है शायद। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, अब ये कर्व हो गया। ठीक है, तो इसकी जो आउटलाइन है अभी काफ़ी मोटा है, मैं इसको कम कर देता हूँ हेयर लाइन में। अब इसको F10 दबा करके थोड़ी सी नीचे ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन और है, करना क्या है हमें कि इसमें इसकी जो ये लाइन है मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इसके चारों तरफ की जो वाइट पैच है मैं इसको यहाँ से मिला ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसे मिल गया है और हालांकि यहीं आके मिल गया है। अब इसमें क्या करता हूँ, इसकी आउटलाइन में पतला कर देता हूँ और F10 दबा करके इसको पूरा सेलेक्ट करके कर्व सारे को मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको भी बाहर और इसको भी बाहर। ठीक है, थोड़ी सी अंदर, ये भी थोड़ी सी अंदर, इसको अंदर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेम इसको हम पकड़ के क्या करेंगे, कर्व कर देंगे यहाँ से, सॉरी वेल्ड कर देंगे इसको। जब वेल्ड कर देंगे तो ये हमारा ये सेम वही हो जाएगा। ठीक है,
बस एक काम और करने है हमें कि नीचे अभी देख रहे होंगे कि एक काम और बचा हुआ है। यहाँ से डबल क्लिक करके एक बार क्लिक करके इसको हम एक शेप और बनाने हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर्व कर दिया और इसकी जो आउटलाइन है 5 की जगह आउटलाइन F10, फिर इसको अलग अलग साइड से एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है। कितना मुड़ा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बना लिया, थोड़ी सी ये चेंज लग रहा है तो इसको भी मैं बना लेता हूँ, और ये राउंडेड है, ठीक है। अब बचा एक ही उपाय, अभी देखें यहाँ पे हमारा ये जो लाइन है यहाँ से थोड़ा सा अंदर जा रहा है, ठीक है, ये भी अंदर जा रहा है, ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा और ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसको हम वेल्ड कर देंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला, ठीक है। और दूसरा उपाय ये कि हम इसको पकड़ के एक और कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसकी जो ये लाइन है यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ से ये यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से ला करके यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अंदर और ये भी थोड़े से बाहर, मैंने सेलेक्ट नहीं किया है यहाँ से तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी इसको हमें बाहर लेने हैं थोड़े से, तो मैंने बाहर ले लिया और यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम थोड़े से अंदर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये यहाँ जा रहा है और इसको हम यहाँ से कर्व कर देते हैं और ये हल्का सा हमारा ये सीधा जा रहा है, ठीक है। ये भी हमारा थोड़ा हल्का फुल्का हो गया है और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है और ये वाला हिस्सा हम थोड़ा सा बाहर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये चीज़ बन के तैयार हो गया। अभी एक चीज़ और बच रहा है हमारा, वो क्या चीज़, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये अंदर वाला हम पहले थम दबाते हैं यहाँ पे 1 इंच, ओके कर दिया, और जो ऊपर वाला है इसको थोड़ा सा हम एरो दबाएंगे, यह इधर आ जाएगा। मैं इसको 1 इंच की जगह 1/2 इंच करता हूँ, ठीक है। इधर मैंने ले लिया और इसमें मैं कलर ये वाला दे देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं कलर ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। इसको देने के बाद इसको भी साइड कर देते हैं और शिफ्ट के साथ पेज अप, ठीक है। और ये वाला डंडी जो है हम यहाँ से डंडी बना लेते हैं,
बनाने के बाद इसको जूम करते हैं और इसको और अंदर जूम करते हैं और इसको यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कर्व करके और थोड़ी सी ऊपर करेंगे और हालांकि इसको हम यही कलर ले लेंगे और यहाँ से ये, ठीक है, ऐसे ये वाला कलर हम चूज कर लेंगे और इसमें हम यही वाला कलर चूज कर लेंगे। तो ये दोनों में हम कलर नन कर देते हैं, इसको भी साइड। तो इसको मैं कर देता हूँ पेज अप और ये वाला भी कॉपी करके इसको हम कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप करने से पहले इसको हम एक कॉपी करेंगे, प्लस दबाएंगे, प्लस दबाने के बाद इसको नीचे कर देंगे, हल्का से नीचे खींचेंगे इसको और इसको हम कलर ये वाला दे देंगे, ठीक है। और इसकी कलर बहुत हल्का करेंगे हम, हालांकि ये चीज़ है कि मान लो हम डिलीट कर दिया और इसको सारे को पकड़ के ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल के साथ जी, ठीक है। या फिर एक उपाय और है, हम सिर्फ इसी को पकड़ के इसमें गए और यहाँ से हम ग्रुप कर देंगे, सॉरी शैडो इफेक्ट देंगे। तो इसमें हम आएंगे और नीचे वाले पोजीशन पे शैडो इफेक्ट देंगे, तो ये हमारा शैडो इफेक्ट भी हो गया, ठीक है। इसको पकड़ के और सेम इसको भी पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे आपको ग्रुप ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप इसके शॉर्टकट कंट्रोल जी दबा देंगे। तो मैं इसको ग्रुप करता हूँ, एरो दबा देता हूँ एक बार, ठीक है। हालांकि ये हमारा इतना बन के तैयार हो गया है, तो खैर काफ़ी है इतना। मैं इसको ये भी थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं कलर ये फिल कर देता हूँ, इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके भी आउटलाइन हटा देता हूँ और इसमें जो कलर दिख रहे हैं ये थोड़ा सा और ब्लैक है, हालांकि इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ ग्रुप या फिर इसको एक बार और साइड करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखें तो मैं एलिश टूल दबाया और हल्का सा इसको थोड़ा सा आगे किया, इसको मैं फिल कर देता हूँ, यहाँ से आउटलाइन हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे अलग अलग शेप दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ऐसे ट्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको अलग अलग शेप है, ठीक है, ये भी वाला सेव हो गया,
पकड़ के आउटलाइन या फिर यहाँ से पकड़ के इसकी कलर में थोड़ा सा ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ आर दबा देता हूँ तो सारे में फिल हो जाएगा। इसके आउटलाइन हटा देता हूँ और इसके भी आउटलाइन हटा देता हूँ। तो इसमें हम कलर पहले दे लें, ठीक है। इसके बाद आउटलाइन हटा देता हूँ, ठीक है। इस सारे को पकड़ के इसको ग्रुप कर देता हूँ, यहाँ से ग्रुप या फिर इसको पहले अनग्रुप करता हूँ। और इसके नीचे शैडो इफेक्ट है, इसमें आएंगे शैडो और यहाँ से मैं नीचे वाला पोजीशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी नीचे है तो नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको ग्रुप करेंगे, ये ग्रुप कर देते हैं। अब ये भी हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। इसकी आउटलाइन हम हटा देते हैं, ये भी दिखे, ये भी हमारा बनके तैयार हो गया। सिर्फ हमें करना क्या है, यहाँ पे लाके धरना है, ठीक है। और इसको हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद अब हमें क्या करने हैं, नीचे वाला जो दिख रहा है मैटर, हमें सिर्फ इसको कॉपी करनी है, इसमें लिख देना है कुछ भी, मान लो प्रोफेशनल लिख देते हैं, प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल लिख के इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। या फिर डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रो, सिर्फ लिख देते हैं प्रो, या फिर डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रोफेशन फैशन लिख देते हैं, ठीक है। फैशन सही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसकी कलर में ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कलर हमारा हो गया, इसको मैं सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर लेने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ थोड़े थोड़ी वाइट में दूंगा, ठीक है। अब इसके पकड़ के टेक्स्ट में आएंगे, ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट टू पाथ, ठीक है। फिर टेक्स्ट टू पाथ नीचे आएंगे, इस पर हम और हल्का सा नीचे इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सीधा करेंगे, मैटर पकड़ के नीचे करेंगे, F10 दबाएंगे, हल्का सा खींच देंगे और खींचेंगे इसको, ठीक है। अब इसकी फॉन्ट की साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, बाहर नहीं कहीं क्लिक करना है, सिर्फ शिफ्ट के साथ छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये हल्का सा वाइट है तो मैं इसको हल्का सा वाइट लूँगा, यहाँ से मैं हल्का सा वाइट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर क्लिक करूँगा,
ठीक है, तो इतना काफ़ी है। और नीचे वाला अब इसे हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अब ब्रेक टेस्ट टू अपार्ट कर देंगे, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, मैटर अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा और F10 दबाएंगे, और इसमें देखें थोड़ा सा और काला है, इसमें जाएंगे, हल्का सॉल नीचे करेंगे और कर देंगे ओके, ठीक है। और थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो ये जो पोजीशन हमारा दिख रहा है ये और बढ़ाएंगे, या फिर इसको कम करके ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ओके कर देते हैं। अब ये वाला पकड़ के बस क्या करना है हमें, इसमें पावर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं, और कुछ तो नहीं बनाना है, हालांकि काफ़ी है इतना, सिर्फ हमें लोगो बेस और कॉन्सेप्ट बेस दिखाना था, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ जो इसमें है, और इसको मैं स्वाइप करता हूँ, और इसको आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमें सिर्फ ये दिखाना था कि सिर्फ हमें बैकग्राउंड कलर लेने हैं। अगर आप स्टिकर वाइज कंसेप्ट बना रहे हैं, लेवल के डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमें लेवल के डिज़ाइन बनाने के लिए हमने कलर बेस सेम लिया है, ठीक है। सिर्फ बैकग्राउंड या फिर जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उसको हमें पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है, लोगो बेस थोड़ा सा चेंज किया है, ब्रांड नेम, ठीक है। अब हमें अगर इस टाइप के रखने हो तो वो भी अलग अलग आप रख सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन। तो मैं मान लीजिए मैं इसको हल्का सा बड़ा करता हूँ, और इसको हल्का सा एक और छोटा सा ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, और एक और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम आ जाएंगे इसको यहाँ से, या फिर एक उपाय और है कि इसको हम यहाँ से इसको साइड कर लेंगे, इतना हमने सांचा ले लिया। अब हम करेंगे यहाँ से ये वाला उपाय, इसको हम वाइट कर देंगे, ठीक है, और ये वाला पोजीशन हमारा ये कलर हो जाएगा, सेम ये कलर, ठीक है। अब बाहर की जो कलर है हमारा वो कलर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और सेम यही कलर हमारा ये हो जाएगा, और इधर भी हल्का हल्का फुल्का हो जाएगा, ठीक है। इसको कलर देने के बाद अब हमें बाहर वाले कलर देना है, इसको हम पकड़ेंगे, तो हम बाहर वाले कलर को दे देंगे, और अब क्या करेंगे, अंदर वाला कलर को हमें फिल करना है, इसमें हम कलर करके फिल कर देंगे, और इसमें हम F11 दबा के इसको ओके
देखें ये हमारा बनके तैयार हो गया। हम इसमें हल्का सा और चेंज करेंगे, वो क्या हम इसको पकड़ेंगे, एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये पैनल आएगा, यहाँ से हम फिल करेंगे क्या चीज कलर। तो ये रहा हमने कलर भी चूज कर लिया, ठीक है। अभी जो ये अंदर वाला कलर दिख रहा है, इन दोनों को पकड़ के ट्रांसपेरेंट आएंगे, हल्का से इसको खींच देंगे, ठीक है। खींचने के बाद अब काफ़ी ये सही लग रहा है, तो हालांकि ये इतना काफ़ी है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, बस इतना काफ़ी है। ओके कर देते हैं, यहाँ से ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारा ये भी बनके कुछ तैयार हो गया, और बहुत सारे इसमें हम डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं कहीं अलग अलग दे देते हैं शेप, ठीक है, ठीक है। और इसको हम पूरा ग्रुप कर देंगे, तो ये रहा हमारा कुछ कॉन्सेप्ट बनके ये भी तैयार हो गया, ठीक है। और इसको हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको हम कर देंगे हल्का सा नीचे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने, अगर हम कॉपी करना चाहें तो पूरा कॉपी कर देंगे, लेकिन क्या है कि आप देख सकते हैं कि डिजाइन बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट बेस कैसे लेना है एकदम परफेक्टली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिजाइन है और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पूरा 3D सहित हमने बना दिया, ठीक है। तो गाइज आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये भी बताएं कि ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको, और आने वाले वीडियो में हम कैसे आपको और अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना करके बताएं, ठीक है। और डिजाइन 3D कैसे बनाते हैं, ठीक है, और सारे ऑप्शन हमने बताया, ठीक है। हाँ, अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो सारे ऑप्शन हमने बताया है इसमें कि आप कौन कौन से शेप ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये बैकग्राउंड डिजाइन था, तो उससे रिलेटेड हमारा ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, मैच कराने के लिए हमें ये लुक देना है कि हमारा ये लुक इसके बैकग्राउंड से अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मैंने इसको बनाया, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स मैंने इसको सिर्फ शेप बनाया है, ठीक है, हल्का सा कॉपी करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं कॉपी करना चाहिए किसी भी फ्लेवर या किसी भी ब्रांड का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लेवर नेम रहना चाहिए, एलिमेंट्स क्या इसमें है वो भी देख लेना चाहिए, कलर बेस क्या है, और हमारे डिजाइन का कलर कितने कलर बेस में है वो देख लेना है। चौथा, मैटर सेपरेट होने चाहिए, जिसमें मान ली मैटर है तो ये मैटर सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और पांचवा है मैटर एज बैक कलर, मतलब ये कह रहा है जो हमारा मैटर है बैक कलर से मैच करे, यानी कि जो बैक कलर है उससे लुक में हमारा मैटर आना चाहिए, ठीक है। चाहे आपका बैक कलर कैसा भी हो, मैटर का लुक हमें अच्छा दिखना चाहिए। ब्रांड कलर भी सेम वही है कि हमें ब्रांड कलर को लुक मिलाना है बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात कि हमें
ये भी देखना लेना है कि डिज़ाइन में कितने डिज़ाइन ऑप्शन हैं। उन सारे ऑप्शन को हमें चूज करने हैं कि ये डिज़ाइन कितने कलर में है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज लेनी है डिज़ाइन जब भी आप डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। कॉपीराइटेड नहीं होने चाहिए, बस इतना देख लें। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने इसमें बैकग्राउंड की जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ हमने चेंज किया है डिज़ाइन, बाकी आप यहाँ पे मैटर वगैरह सबसे रख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स रख सकते हैं, एलिमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।